अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की बुक है। हमारे पास उसकी एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं। हमने 1 to 15 जो क्वेश्चंस है वो सेम हमने एक तरह से सॉल्व करने हैं, मतलब उसकी हमने जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे देगी 9d² - 12d + 4 × y = 0। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, दी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी, वो हमारे पास क्या आएगी, 9d² - 12d + 4 = 0। ठीक हो गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 9 × 4 = 36, हमने 12 बनाना है, 6 × 6 = 36 होता है और 6 में 6 ऐड करें तो 12 बन जाता है। तो इसके फैक्टर जो हमने वो बनाएंगे उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आएगा -60 - 60 + 4 = 0। इनमें से 3d कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3d - 2, माइनस यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा तो 3d - 2। तो फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 3d - 2। तो यहाँ से रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, d = 2/3, मतलब रूट्स जो हैं वो हमारे पास रिपीटेड हो गए हैं, रियल और रिपीटेड हो। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y × एक जो रूट है 2/3 वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे c1 × 0 + c2 × 1। 2 टाइम लिखा गया, 2 कॉन्स्टेंट यूज़ हो गए। अब साथ में क्या लिखेंगे, e^ में ये जो चीज़ रिपीट हो रही है रूट जो है वो 2/3, साथ में x लिख देंगे। ठीक होगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम x^0 है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपली अब ऐसे लिख सकते c1 + c2 × e^2/3 x, ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक हो गया, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी पहले करैक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लिखते हैं, दी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बी, वो हमारे पास बन जाएगी 75d² + 50d + 12 = 0। इसके फैक्टर्स जो वो नहीं बनते तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज सॉल्व करेंगे, d = -50 + -50 का स्केयर आ जाएगा 2500, माइनस इस 12 को से जो है वो हम 75 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 × 75 × 4 ए सी आता है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 3600/2a आता है, तो 2 को a मतलब 75 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा 150। तो ये हमारे पास आ जाएगा -50 + -2500 में से 36 माइनस करेंगे तो 1100 आ जाएगा, और 1100 का जब हम स्केयर रूट लेंगे, देर पहले लिख लेती हूँ, 1100 माइनस में आएगा 150। इसका जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -50 + -10 √11/150। ठीक हो गया, इसमें से 10 कॉमन लेके कटिंग करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -5 + -11/50। इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट को इलाज अलग करें तो -1/5 = 15 +-11/15, ये हमारे पास क्या आ गया, रूट आ गया। अब ये रूट हमारे पास किस तरह का है, इमेजिनरी है, तो इसे किस फॉर्म में लिखना है, जनरल सॉल्यूशन को y = पहले लिखेंगे e^ में एक्स के साथ हमने क्या लिखना है, रियल पार्ट, -1/3 है तो हम लिखेंगे -1/3 आ गया। ठीक हो गया, अब ब्रैकेट में हमने ये लिखना है c1 cos के एंगल में एक्स के साथ क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट √11/15 + c2 sin √11/15 x, ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक हो गया, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हम जब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो रूट किस फॉर्म की और हमें किस तरह से लिखते हैं, इसके लिए वीडियो मैंने पहले बना दी हुई है, वो आप लोग देख लीजिएगा पहले। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, मतलब यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके पहले लिखेंगे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, दी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बी,
वो हमारे पास बन जाएगी डी क्यूब माइनस फोर डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस सिक्स इक्वल ज़ीरो। इसके हमें फैक्टर्स चाहिए। तो देखें ज़रा, ये हमारे पास क्यूबिक दे दी गई है। अगर हमारे पास होती कि क्वाड्रेटिक तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके फैक्टर्स बना लेते, लेकिन ये हमारे पास क्यूबिक दी हुई है तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से पहले इसे सॉल्व करेंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक बने और उसके बाद फिर हम फैक्टर्स बनाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन में लिखेंगे वन माइनस फोर वन सिक्स, सॉरी ये वाला वैसे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने यूज़ कर लेते हैं टू, टू वन ज़ा टू, ये आ जाएगा माइनस टू, ये बन जाएगा माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सिक्स ज़ीरो इक्वल आर। पहले क्यूबिक थी, अब एक दफ़ा सॉल्व कर दी, एक फैक्टर आ गया तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या आएगी, दी डिप्रेस्ड इक्वेशन बी, वो क्या बन गई, डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस थ्री इक्वल ज़ीरो। ठीक हो गया, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारे पास है डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस डी माइनस थ्री इक्वल ज़ीरो। थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री में से वन माइनस के तो टू, इसमें से डी कॉमन आ जाएगा डी माइनस थ्री प्लस वन कॉमन आ जाएगा डी माइनस थ्री। तो इसके फैक्टर आ गए डी माइनस थ्री डी प्लस वन। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो आएगी, रूट्स आ जाएंगे प्लस थ्री माइनस वन और एक ये पहले आया हुआ था टू, ये रूट्स आ गए। तीनों के तीनों मुख्तलिफ रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और रियल हैं। तो हमें किस तरह से लिखेंगे जनरल सोल्यूशन को, वाई इक्वल सी वन ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर टू एक्स। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इसे वाई सी भी कह सकते हैं, जनरल सोल्यूशन में वाई के सब्सक्रिप्ट में सी भी लिख सकते हैं। जनरल सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी, वो हमारे पास आ जाएगी डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इक्वल ज़ीरो। ये हमारे पास क्यूबिक दे दी गई, इसे सिंथेटिक डिवीजन से भी सोल्व करते हैं तो इसके फैक्टर भी बन सकते हैं। फैक्टर भी बना ले, फैक्टर बना लेते हैं, डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा डी प्लस वन, यहाँ से प्लस वन कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास डी प्लस वन। तो फैक्टर बन गया डी प्लस वन डी स्क्वेयर प्लस वन इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ से रूट क्या आ जाएंगे, डी माइनस वन आ जाएगा और यहाँ से रूट निकलेगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, वो पहले इसे लिखेंगे जो हमारे पास रियल है, उसे कैसे लिखेंगे, ई सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस, अब हमारे पास आ गया इमेजिनरी, अब कम्प्लेक्स रूट आ गया। तो कम्प्लेक्स को क्या लिखेंगे, पहले ई की पावर में रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है ज़ीरो, तो हम लिखेंगे ज़ीरो एक्स। अब लिखेंगे सी वन यूज़ हो गया, सी टू कॉस, एंगल में लिखना है इमेजिनरी पार्ट का कोफिशियंट क्या है वन, तो वन एक्स, तो वन लिखने की जरूरत नहीं, एक्स लिख देंगे प्लस सी टू साइन एक्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ई की पावर ज़ीरो वो वन हो जाता, तो हम सिंपल इसी लिख देंगे सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू कॉज एक्स प्लस सी थ्री साइन एक्स। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया, रियल को हमने इस तरह सिंपली लिख लिया, जो इमेजिनरी है उसमें क्या कहते हैं ई की पावर में एक्स के साथ हम लिखते हैं रियल पार्ट, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो कॉज और साइन के एंगल में एक्स के साथ आ जाता है। ठीक हो गया, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है, दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी, वो हमारे पास बन जाएगी डी की पावर थ्री माइनस सिक्स डी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व डी माइनस एट इक्वल ज़ीरो। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो हम इसे क्या करेंगे इसे सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करेंगे, वन माइनस सिक्स ट्वेल्व माइनस एट। किसे करना है हमने इसे, ये वन वैसे आ गया, यहाँ हम क्या लिखेंगे टू, टू वन ज़ार टू, सिक्स में टू माइनस किए माइनस फोर, फोर टू ज़ार एट माइनस एट, ट्वेल्व में से एट माइनस किए वो फोर टू ज़ार एट, तो ये हमारे पास ज़ीरो बच गया। ठीक हो गया, डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, दी डिप्रेस्ड इक्वेशन बी, क्यूबिक थी अब क्वाड्रेटिक बन जाएगी, डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस फोर इक्वल ज़ीरो। फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी हम, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वेयर माइनस टू डी माइनस टू डी प्लस फोर इक्वल ज़ीरो, इसमें से डी कॉमन आ जाएगा डी माइनस टू कॉमन आ जाएगा डी माइनस टू, तो फैक्टर हमारे पास बनेगा डी माइनस टू डी माइनस टू।
तो डी की वैल्यूज़ क्या आ गई, प्लस का टू, फिर प्लस का टू, और एक ये पहले आया हुआ था ये भी टू ही था। मतलब हमारे पास रूट जो है और पी टी डे और टू रिपीट हो रहा है और थ्री टाइम रिपीट हो रहा है। तुम इसे वाई को कैसे लिखेंगे, वाई इक्वल सी वन एक्स ई पावर जीरो प्लस सी टू एक्स ई पावर वन प्लस सी थ्री एक्स ई पावर टू। थ्री कॉन्स्टेंट लिख दी कि आर्बिट्री, थ्री टाइम रिपीट था, इसे स्टॉप कर देंगे। ई की पावर में क्या लिखेंगे, जो चीज रूट रिपीट हो रहा है और टू रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे टू एक्स। ठीक हो गया, एक्स की पावर जीरो लिखने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर टू एक्स। ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन। आप लोग इस चीज़ में देख रहे हो कि ये मुझे डायरेक्ट जो है वो कैसे पता चल जाता है कि टू से ही होना है। इसे हम एक तो इसका मेथड ये होता है, इसका जो लास्ट वाला कोफिशियंट है एट और इसका जो स्टार्ट वाला जो हमारे पास है वन, एट वन ज़ार एट, एट के फैक्टर्स हमने लिखने होते हैं। एट के फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, वन टू फोर और एट, ये चार फैक्टर आते हैं। इन चारों फैक्टर को हमने प्लस में भी चेक करना होता है और माइनस में भी चेक करना होता है, किसी एक पे ये किसी पे भी, यानी कि ये जिस पे ये इक्वल जीरो का आ जाएगा वो उसका फैक्टर होगा। और दूसरा मेथड जो है वो कैलकुलेटर में भी फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर जो है हमारे पास ये वाला होना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों ने देख के लेनी है, कैलकुलेटर ये वाला होगा तो ही सॉल्व होगा। हम कैसे करेंगे, मॉड, मॉड के बाद हम प्रेस करेंगे फाइव, इक्वेशन, इक्वेशन है ना तो हम फाइव प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास किस तरह इक्वेशन है, ये क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन फोर्थ में है तो हम फोर प्लस करेंगे। अब हमने इसके कोफिशियंट सिर्फ लिखने थे तरतीब के साथ, पहले की थ्री वाला डी की पावर थ्री वाला, फिर टू वाला, फिर वन वाला, फिर जीरो वाला। तो हम कैसे लिखेंगे, डी का, डी की पावर थ्री का कोफिशियंट क्या है, वन इक्वल। उसके बाद माइनस सिक्स है, हम लिखेंगे माइनस सिक्स इक्वल। फिर उसके बाद प्लस ट्वेल्व है, हम लिखेंगे प्लस ट्वेल्व इक्वल। उसके बाद माइनस एट, हम लिखेंगे माइनस एट इक्वल। अब इक्वल प्रेस करेंगे, हमारे पास आ रहा है टू, फिर प्रेस किया वन, फिर प्रेस किया टू, हमारे पास रूट क्या आ रहे हैं, टू वन टू। तो वो जो है इसके रूट्स बनेंगे, इससे मुझे रूट्स इसके पता चल जाते हैं कि इसके कौन कौन से जो है वो रूट्स बनेंगे। वो मैंने यहाँ पे लिखी, इसलिए टू मैंने यूज़ कर लिया। तो मैं कोई भी एक यूज़ कर ले तो ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है। मैंने टू को यूज़ कर लिया और इसे सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक हो गया, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बी। वो हमारे पास आ जाएगी डी की पावर थ्री माइनस सिक्स डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टेन इक्वल ज़ीरो। इसे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वन माइनस सिक्स थ्री टेन, वन वैसे नीचे आ जाएगी, सेम करेंगे फाइव से, फाइव वन ज़ा फाइव माइनस वन, ये माइनस फाइव माइनस टू माइनस टेन, तो ये हमारे पास ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। दी डिप्रेस्ड इक्वेशन बी, वो हमारे पास बन गया डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू इक्वल ज़ीरो। हम लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू इक्वल ज़ीरो। टू वन ज़ा टू, टू और टू में से वन माइनस किया वन, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस डी माइनस टू इक्वल ज़ीरो। डी कॉमन ले लिया डी माइनस टू प्लस वन कॉमन ले लिया डी माइनस टू, तो हमारे पास फैक्टर आ गए डी माइनस टू और डी प्लस वन। तो यहाँ से रूट्स क्या आ जाएंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी टू माइनस वन और एक जो ये जो पहले थी फाइव, ये आ गया फाइव। अब वाई कैसे लिखेंगे, तीनों डिस्टिंक है तो वाई ही आ जाएगा सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर फाइव एक्स। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक हो गया, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, क्वेश्चन नंबर सेवन है, दी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बी। ये हमारे पास है डी की पावर थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन इक्वल ज़ीरो। हम इसे लिख सकते डी की पावर थ्री माइनस थ्री की पावर थ्री इक्वल ज़ीरो। तो इस पर क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हम लिखेंगे डी माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन। दो फैक्टर बन गए, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, वो आएगा माइनस थ्री प्लस माइनस नाइन माइनस थर्टी सिक्स के रूट ओवर टू। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो है हमारे पास बनेगा माइनस थ्री माइनस फोर प्लस माइनस फोर आयोटा ओवर टू। नाइन में थर्टी सिक्स माइनस करते हैं तो एट आता है, एटीन आता है, माइनस एटीन, माइनस की वजह से आयोटा, अगर एटीन की वजह से आएगा यहाँ थ्री स्केयर रूट थ्री। रियल और इमेजिनरी पार्ट लेदर लेदर करेंगे, माइनस थ्री ओवर टू
प्लस माइनस थ्री स्केयर रूट थ्री ओवर टू आयोटा। ठीक हो गया। अब हमने y कैसे लिखना है, y इक्वल ये जो है हमारे पास रियल है रूट, इसे कैसे लिखेंगे, सी वन ई की पावर थ्री एक्स प्लस इमेजिनरी आगे उसे कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स आगे से लिखेंगे ई की पावर में रियल पार्ट का माइनस टू थ्री ओवर टू एक्स आ गया रियल पार्ट, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे सी वन यूज़ हो गया सी टू कॉस, कॉस और साइन लिखना है उनके एंगल में, एक्स के साथ क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट थ्री स्केयर रूट थ्री ओवर टू, थ्री स्केयर रूट थ्री ओवर टू एक्स प्लस सी टू सी थ्री, सी टू यूज़ हो गया साइन थ्री स्केयर रूट थ्री ओवर टू एक्स, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट है, दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी, वो हमारे पास बन जाएगी फोर डी की पावर फोर माइनस फोर डी की पावर थ्री माइनस थ्री डी स्केयर प्लस फोर डी माइनस वन इक्वल ज़ीरो। सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करेंगे फोर माइनस थ्री फोर माइनस वन, ये वाला फोर वैसे आ जाएगा वन है, तो इसे हम करेंगे वन से चेक कर लेते, पहले फोर वन ज़ा फोर ज़ीरो आ गया, ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो माइनस थ्री को वन से करेंगे माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा वन, वन वन ज़ा वन ये हो गया ज़ीरो इक्वल आर। अब माइनस वन से चेक कर लेते हैं, फोर वैसे आ गया माइनस वन को फोर से करेंगे माइनस फोर ये करेंगे प्लस फोर, फोर में थ्री माइनस किए वन, वन को माइनस वन से करेंगे माइनस वन ये भी हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक, पहले फोर पावर फोर्थ फरी गई हमारे पास इक्वेशन से, हमने एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन वाला अप्लाई किया प्रोसेस, एक रूट यानी कि फाइंड कर लिया तो हमारे पास बन गई क्यूबिक, फिर एक रूट फाइंड कर लिया तब हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। दी डिप्रेस्ड इक्वेशन बी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस वन इक्वल ज़ीरो। इसके हमें फैक्टर्स चाहिए, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे फोर वन ज़ा फोर, तो हम इसे करेंगे टू टू ज़ा फोर टू ओ टू फोर, फोर डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इक्वल ज़ीरो। टू डी कॉमन आ गया, टू डी माइनस वन कॉमन आ गया टू डी माइनस वन, तो ये फैक्टर आ गए टू डी माइनस वन टू डी माइनस वन। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वन ओवर टू, वन ओवर टू, और दो वैल्यूज थी जो वो हमने पहले फाइंड कर दी थी सिंथेटिक डिवीजन से, वन प्लस का और वन माइनस का, वो भी साथ में लिखेंगे वन प्लस का और वन माइनस का। पहले तो ये जो डिस्टिंक है इनको लिखते हैं हम, वाई इक्वल सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, ये दोनों लिखेंगे। अब रिपीटेड है उसको हमने क्या लिखना है, प्लस सी वन एक्स की पावर ज़ीरो होती वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस सी टू एक्स ई की पावर में क्या करेंगे, क्या चीज़ रिपीट हो रही है, वन ओवर टू, तो ई का क्वेश्चन वन ओवर टू एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास जो है वन टू एट तक जो क्वेश्चंस हैं हमने इसे 10.1 के सॉल्व कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर नाइन से आगे जो ऑनवर्ड है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।